नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटास 2.0 में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको टेलीग्राम ऑटो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट बॉट के बारे में बता रहा हूँ कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपने इस बॉट को टेलीग्राम के ऊपर ज़रूर देखा होगा, तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले क्या करा है? मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक प्राइवेट चैनल बना के रखा है। ये प्राइवेट चैनल जिसको मैं यहाँ पे ओन करता हूँ, जो यहाँ पे प्राइवेट चैनल, और आपने टेलीग्राम पे देखा होगा कई सारे चैनल्स के लिंक होते हैं, जैसे कि ये मैं लिंक है मैं अपनी दूसरी आईडी से। तो जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है चैनल पे, और जब आप वहाँ पे ज्वाइन रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो उसके बाद ओनर जो है आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। और रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट होती है उस चैनल के अंदर ऑटो एक्सेप्ट हो जाती है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट डालते ही यहाँ पे अपने आप एक्सेप्ट हो चुकी है। और आपको क्या होता है, आपको यहाँ पे बॉट से एक मैसेज आया होता है, तो इस तरह का एक मैसेज कि हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अपना यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन लगाया हुआ है, कॉन्टैक्ट ओनर की डिटेल्स भी मैंने लगाई हुई है। आप भी कुछ इस तरह से अपना ऑटो ज्वाइन रिक्वेस्ट बॉट बना सकते हैं बिना होस्टिंग वगैरह के। वो कैसे बनाएंगे वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, बहुत ही आसान होने वाला है। और देखो मैं यहाँ पे चैनल के अंदर ज्वाइन हो चुका हूँ। और अगर मान लो कुछ यूज़र्स को इसकी ये फीचर भी चाहिए था कि कोई यूज़र हमारे चैनल को लीव करके जाता है तो हम उसको मैसेज कर सके, ताकि हमें पता रहे कि कौन यूज़र लीव करके गया है। तो जैसे ही मैं इस चैनल को यहाँ पे लीव करूँगा तो अभी आप देखना 5 सेकंड के अंदर मेरे को यहाँ पे एक बॉट से मैसेज आएगा। तो देखो ये मेरे को बॉट से मैसेज आ चुका है, वी आर सॉरी टू सी यू गो, प्लीज़ टेल अस व्हाट वेंट रॉन्ग। तो उस इस तरह से आप अपने मैसेज बना सकते हैं। तो कोई भी यूज़र आपके चैनल को ज्वाइन करता है तब भी मैसेज जाएगा, लीव करता है तब भी उसके पास मैसेज जाएगा, ताकि आपका जो यूज़र्स का डाटाबेस है वो अच्छी तरह से बना रहेगा। ये सब मैंने कैसे किया ये इस वीडियो में मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको जाना होगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो चैनल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसको पहले कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और आपको यहाँ पे मिलेगा बॉट का लिंक। इस बॉट को आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड द बॉट के ऊपर क्लिक करना होगा, और फिर उसके बाद आपको बॉट फादर से एक बॉट क्रिएट करके उसके ऊपर इसका टोकन इसे सेंड करना होगा। अगर आपको टेलीग्राम पे एक सिंपल बॉट क्रिएट करना नहीं आता तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट योर टेलीग्राम बॉट, उससे आप एक सिंपल टेलीग्राम बॉट क्रिएट कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी बॉट क्रिएट कर रखा है, तो मैं उसका बस यहाँ पे यूज़र नेम लूँगा और यहाँ पे डाल दूंगा, जिससे हमारा बॉट जो होगा इसमें कनेक्ट हो जाएगा इस मेन बॉट में। अब इसके बाद बस आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट द बॉट के ऊपर क्लिक करना है और आप अपने बॉट के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, वरना तो आप रशियन सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे सब इंग्लिश ही करने वाले हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे चैनल ऐड करना होगा। चैनल ऐड करने के लिए एक चैनल आप क्रिएट कर ले, मैं यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए आपको एक चैनल दिखा देता हूँ, टेस्ट चैनल के नाम से बनाया, चैनल को क्रिएट किया, उसे प्राइवेट बना दिया। प्राइवेट बनाने के बाद उसका लिंक आप यहाँ पे क्रिएट कर ले, एक क्रिएट न्यू लिंक करें, रिक्वेस्ट एडमिन अप्रूव, ये वाला लिंक आपको क्रिएट करना होगा, जिस लिंक को आप शेयर करेंगे यूजर्स के साथ। ये हमारा चैनल बन गया, मैं इस पर मैसेज टाइप कर देता हूँ हाय। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका टेस्ट बॉट था जिसको आपने कनेक्ट किया था उसके अंदर चैनल को ऐड करना है। चैनल ऐड करने के लिए बस आपको इस बॉट को उस चैनल के अंदर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करना है। तो ये मेरा बॉट है, मैं इसको एडमिन बना देता हूँ अपने इस टेस्ट चैनल के अंदर। ये मेरा टेस्ट चैनल है और ये मैंने इसे एडमिन बना दिया। सारे राइट मैं इसे यहाँ पे दे दूंगा और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इसमें ऐड कर दूंगा। ऐड हो गया। अब इसके बाद इसका जो हाई मैसेज है मैं इसको यहाँ पे अपने बॉट पे फॉरवर्ड कर दूंगा, और याद रखना फॉरवर्ड टैग के साथ फॉरवर्ड करना है आपको। तो देखो मेरे को यहाँ पे मैसेज आ चुका है, फॉरवर्ड टैग के साथ मैंने यहाँ पे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे आ चुका है क्या क्या चीज़ हमारी एनेबल्ड है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑटो अप्रूव है वो एनेबल्ड है, मतलब बॉट जो है वो यूज़र्स की रिक्वेस्ट को ऑटो अप्रूव कर लेगा। अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो उसे यहाँ से आप ऑफ कर दें, उसके बाद आप जो यूज़र्स होंगे वो ऑटो अप्रूव नहीं होंगे, अदरवाइज़ आप इसको एनेबल कर दें। एनेबल कर देंगे तो वैसे ही आपकी रिक्वेस्ट अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगी यूज़र की, जैसे ही वो रिक्वेस्ट को भेजेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था। इसके बाद इस बॉट के अंदर आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस काफ़ी सारी मिल जाती हैं। टेलीग्राफ पे जाके आप इतनी सारी लैंग्वेजेस देख सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर आप इसके अंदर मैसेज को सेट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं इस बॉट को। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, रशियन, लेकिन मैं इसे इंग्लिश में ही रहने दूंगा, तो मैं इसे बैक कर लेता हूँ। ठीक है,
इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले ग्रीटिंग मैसेज सेट करना होगा। ग्रीटिंग मैसेज का मतलब कि स्टार्टिंग का जो स्टार्ट मैसेज होगा, जो यूज़र के ज्वाइन करने पे सेंड होगा बॉट से, उसमें क्या डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ भी डाल लो, हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ठीक है, अब बस मैंने इसे सेट कर दिया, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। आप चाहे तो इसके अंदर इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वेलकम मैसेज पे आप इमेज रखना चाहते हैं तो इमेज के साथ टेक्स्ट को सेंड कर देना, ये बॉट उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद आप अगर इसके अंदर बटन सेट करना चाहते हैं तो बटन के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सब्सक्राइब, और फिर उसके बाद सब्सक्राइब स्पेस देके यहाँ पे आपको डैश लिखना होगा, फिर स्पेस देना, फिर उसके बाद जो भी आप लिंक देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे बस अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, graymatters.me/graymatter_bots। और अगर आप मल्टीपल बटन्स लगा सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बस बीच में क्या करना है, ये तो मैंने एक बटन लगा दिया, प्रीव्यू ग्रीटिंग के ऊपर क्लिक करके आप अपना मैसेज देख सकते हैं, तो इस तरह से आएगा। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ग्रीटिंग पे क्लिक करना, और अगर आप इमेज के साथ देना चाहते हैं तो दे देते हैं, मैं यहाँ पे हेलो डाल के कर देता हूँ आपको बस दिखाने के लिए, और फिर से मैं जो मेरा वो था ये वाला बटन ले लेता हूँ। और मान लो आपको दो बटन्स लगाने सेम लाइन में जैसे मैंने लगाए हुए थे, तो यहाँ पे ऐसे लगा देना, और ये तक दिया मैंने ओनर, और यहाँ पे मैं इसका लिंक लगा देता हूँ कोई भी लिंक, तो ये मैंने बिटली लिंक यहाँ पे लगा दिया, इसको सेंड कर दिया। ठीक है, ये हमारा सेंड हो गया। अब मैं प्रीव्यू ग्रीटिंग जब करूँगा तो देखो आप यहाँ पे दो बटन्स आ रहे हैं वेलकम मैसेज के अंदर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। डेफर ग्रीटिंग से आप क्या कर सकते हैं कि टाइमर सेट कर सकते हैं कि यूज़र के ज्वाइन करने के कितने घंटे या कितने टाइम बाद आप यूज़र को बॉट से मैसेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस फॉर्मेट को यहाँ पे देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैक्सिमम 86,400 सेकंड्स का टाइम वेट लगा सकते हैं बॉट के ऊपर, लेकिन मैं इसको बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा ताकि यूज़र जैसे ही ज्वाइन करे हमारा बॉट उसको मैसेज कर दे ग्रीटिंग मैसेज। रिमूव ग्रीटिंग पे क्लिक करके आप अपने जो आपका ग्रीटिंग आपने सेट किया हुआ है उसको यहाँ पे हटा सकते हैं। फेयरवेल मैसेज, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यूज़र जब चैनल को लीव करके जाएगा तब क्या मैसेज जाएगा, तो यहाँ पे मैं बस डाल देता हूँ वी आर सॉरी, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल देना। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई लिंक नहीं डालना चाहता हूँ, मैं स्किप कर दूंगा इसको, आप चाहें तो डाल लेना। इसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं फेयरवेल लैंग्वेज में, मैं इसको इंग्लिश ही रहने दूंगा जो मैंने डाली है, तो मैं इसको भी स्किप कर दूंगा। तो ये मेरा फेयरवेल मैसेज सेट हो गया। अगर आप फेयरवेल मैसेज में एक से ज़्यादा मैसेज को सेट करना चाहते हैं तो सेट इन अदर के ऊपर क्लिक करना, और ये फिर से आपसे पूछेगा और आप वहाँ डाल देते हो, तो ये बॉट जो है आप यूज़र के लीव करने पे उसको दो से भी ज़्यादा मैसेज सेंड कर सकता है, लेकिन मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक ही रहने दूंगा। तो मेरे यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज सेट हो गया, फेयरवेल मैसेज सेट हो गया। रिमूव चैनल के ऊपर क्लिक करके आप अपने चैनल को इस बॉट से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिमूव नहीं करना है, मेरे को आपको दिखाना है कि इस तरह से ये वर्क करता है। तो मेरा चैनल यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मैं अपनी दूसरी आईडी पे जाकर इस चैनल को ज्वाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी दूसरी आईडी पे आ चुका हूँ, और ये उस चैनल का लिंक था, मैंने इसे डाला। अब मैं इसके अंदर ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन चैनल, मेरे अब दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो मैं चैनल के अंदर ज्वाइन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बार वापस आता हूँ, देखो मेरे को यहाँ पे मैसेज आ चुका है बॉट से कि हेलो, और सब्सक्राइब वाला जो मैंने बटन लगाया था वो भी यहाँ पर है, ओनर वाला भी जो लगाया था वो यहाँ पे है। बस इसके अंदर क्या है कि आपको ये बॉट है टोटली फ्री मिल रहा है, और ना आपको कुछ होस्ट करना पड़ रहा, और ये बॉट हमेशा चलता रहेगा, इस बात की टेंशन मत लेना, क्योंकि ये एक बॉट किसी रशियन बंदे ने डिप्लॉय किया हुआ है, और रशियन के जो बॉट्स होते हैं ना वो हमेशा चलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। बस ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बस इतना यूज़ कर रहे हैं कि विद लव बाय ऑटो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट बॉट, ये इसका यूज़र नेम है, बस इतना ही ये यहाँ पे डाल रहे हैं बाकी सब। अब मैं इस चैनल को यहाँ पे लीव कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया लीव। अब मैं लीव करूँगा तो मेरे को यहाँ पे दोबारा मैसेज आएगा टेस्ट बॉट से, और देखो मेरे को आ चुका है मैसेज। तो इस तरह से वर्क करता है, और इस बॉट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने कम्युनिटी को बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर